हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं सुंडी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपको पता है विशेष प्रकार की सुंडियां अब देखने को मिलती है, हरी भूरी काली लाल पीली नीली बहुत प्रकार की। लेकिन इसको हम किसान साथियों को सही जानकारी न मिलने के कारण हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा जब प्रकोप हो जाता है तब पता चलता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि कब कौन सी दवा हमको स्प्रे करना होता है। तो उससे पहले आपको बता दो, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई आप हमसे सीड मंगाना चाहते हो, किसी भी वेजिटेबल जो भी वैरायटियां बताया हूं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक से जुड़ सकते हो और अपनी समस्या का समाधान वहां पर पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इन सुंडियों को हम किस तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि अब गर्मी के मौसम में इनका प्रकोप ज्यादा होता है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती है उस तरीके से इनका प्रकोप बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको इनको टमाटर में, बैंगन में, गोभी में, पत्ता गोभी में, ये तीन चार सब्जी इतनी कॉमन है कि इन सब में इनका प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है साथियों। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो सबसे पहले बात बता दूं, आप किसी रोग और कीट को कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आप अपनी खेती को एक छोटे से बच्चे की तरीके से देखभाल करोगे साथियों। ठीक है, मतलब अगर आप खेती लगाए हो तो आप नेतागिरी मत करो कि मतलब आज पानी दे दिए, चलो कल परसों देख लेंगे, कल देख लेंगे। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना, आप खेती नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप अगर खेती की हो तो आप अपनी फसल का डेली सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी फसल को देखिए, उसमें क्या रोग लग रहे हैं, क्या कीड़े लग रहे हैं, कब पानी की आवश्यकता है, कब दवा की आवश्यकता है, कब खाद की आवश्यकता है। ठीक है, आप इसको डेली विजिट करोगे अपने खेत को ना, तो आप अपने खेत को बहुत ऊंचाई तक ले जाओगे और आपकी फसल जल्दी बर्बाद नहीं होगी। आप विजिट करते रहे, जब आपको कहीं हल्के माइनोर कीड़े दिखे तो उसके आपको स्प्रे क्या करना पड़ता है, मार्केट में आपको दो दवाएं मिलेगी, एक प्रोफेक्स सुपर मिलती है, नहीं मिलती है इमामेक्टिन बेंजोएट, दोनों में से कोई एक दवा आप प्रोफेक्स सुपर स्प्रे करते हो। अगर आपका 30 दिन के अंदर प्लांट है तो 25 ml स्प्रे करोगे, और इमामेक्टिन अगर यूज करना है तो आप 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से आप उसका प्रयोग करोगे। हल्की दवा आपको प्रयोग करना है, इससे क्या होगा, हल्की दवा प्रयोग करने से ही आपके कीड़े काफी हद तक खत्म हो जाए। चलिए, अब उसके ऊपर बड़ा पौधा हो गया और उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप दोनों दवाओं को मिला सकते हो, 25 ml उसको, 10 ग्राम उसको, इन दोनों को मिला करके आप स्प्रे कर सकते हो, 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, 25 ml प्रोफेक्स सुपर। ठीक है, अब इन अब क्या होता है, काफी केस में इनको डालने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता, अब उसका भी ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए कि हम अब किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मार्केट में आपको बहुत सारी हार्ड पेस्टिसाइड मिलती है, हार्ड पेस्टिसाइड में से आता है डेलीकेट डाउ कंपनी का, आप उसको प्रयोग कर सकते हो, और एक आता है स्पाइनोटोरम आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो, टाटा का समीट आता है, धानका का लार्गो आता है, ये तीन चार दवाएं बहुत ही हार्ड होती हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हो। अब लास्ट में क्या होता है, अगर इन सबसे भी कंट्रोल से अब अगर आप हार जाओगे ना, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और बचता है बायो पेस्टिसाइड का। आप अपने यहाँ मार्केट में जब आप पता करने जाओगे बायो सुंडी कंट्रोल करने के लिए कोई दवा है, दुकानदार से आप पूछोगे तो दुकानदार आपको कोई ना कोई दवा जरूर देगा साथियों। ठीक है, आप उस दवा को लाओ और अपने फसल में अगर आप उसका प्रयोग करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल बायो तरीके से भी तैयार होगी, प्लस आपकी सुंडी भी कंट्रोल हो जाएगी। होता क्या है, जब इनऑर्गेनिक से केमिकल से कंट्रोल चीजें नहीं होती, फिर ऑर्गेनिक के तरीके से अगर आप उसको कंट्रोल करोगे तो 100% कंट्रोल होता है, हमने करके देखा है। और ये सुंडियां आपको अभी मूंग उड़द में भी दिखेंगी, चरी में भी दिखेंगी, तो आप ये प्रोसेस फॉलो करके अगर आप दवा का प्रयोग करोगे तो आपको ठीक रहेगा। और आप लोग जब भी ग्रुप में पूछा करिए कोई भी चीज, आप अपना फोटो के साथ अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने आओगे तो हर व्यक्ति वहां पे आपके प्रॉब्लम का सलूशन बता देगा, बहुत सारे वहां पे एक्सपर्ट किसान जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं और हम भी तो हैं ही, तो आपको अच्छी अच्छी जानकारियां भी वहां मिलती रहेगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। ठीक है साथी, बस आज के लिए इतने किसान, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।